Now, mutable and immutable data types. Here, the Python also have two more data types, that is mutable data types and immutable data types. Mutable data types kya hota hai? Variables whose values can be changed after they are created and assigned values are called mutable data types. मतलब कोई एक वेरिएबल है, मान लो कोई वेरिएबल है, ठीक है, मान लो हमने लिस्ट के फॉर्म में कोई वेरिएबल लिया, ठीक है, हमने एक लिस्ट बनाया, लिस्ट इक्वल टू हमने लिखा सपोज 1, 2, 3, 4, ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, ये लिस्ट में कितना एलिमेंट है, हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस लिस्ट, हम लोग पढ़े थे ना लिस्ट में कितना एलिमेंट है, इस लिस्ट में 4 एलिमेंट, ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो लिस्ट का जो जीरो पोजीशन है उसमें क्या है, 1, इस लिस्ट का अगर हम इंडेक्सिंग करें तो 1 पोजीशन पे क्या है, 2, ठीक है, सिमिलरली लिस्ट का 3 पोजीशन अगर हम देखें, थर्ड पोजीशन, तो क्या है, 3, 4, सिमिलरली लिस्ट का फोर पोजीशन अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो दिस इज अ लिस्ट, लिस्ट भी एक तरह से अगर हम वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करें तो यहाँ पे लिस्ट का 0 एलिमेंट पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 3 इंडेक्स पे 3 है, 4 इंडेक्स पे 4 है, ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ म्यूटेबल डेटा टाइप्स में क्या बोलता है पाइथन, इन म्यूटेबल डेटा टाइप्स वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, है ना, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसका वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड वैल्यूज आर कॉल्ड म्यूटेबल वेरिएबल्स, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो लिस्ट है इसमें अगर हम मान लो लिस्ट 0 इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू, इसको चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन चेंज वैल्यू फ्रॉम 1 यस, बोलो स्पीक, क्या बोल रहा है ये, चैटिंग में कुछ लिखे थे आयुष, वी कैन चेंज वैल्यू फ्रॉम 1 to, मान लो जो 1 है, ठीक है ना, लिस्ट 0 में जो वैल्यू 1 है उसको जगह पे हम 8 लिखना चाहते हैं या सपोज 9 लिखना चाहते हैं, तो हम लोग ये कर सकते हैं, हाउ, बाय यू, बिकॉज लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स का वैल्यू है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। पाइथन ओपन किया, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा लिस्ट जो लिखा हुआ था इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, या 4 तक है तो 4 तक लिख लिए, इंटर कर दिया, लिस्ट के अंदर क्या वैल्यू है, list लिस्ट करेंगे तो हमको बता देगा 1, 2, 3, 4 है, कैसे पता चलेगा कि ये लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल जाएगा कि ये लिस्ट है, इसमें जो वैल्यू दिया 1, 2, 3, 4 इसके अंदर का वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो ऐसा वेरिएबल्स या ऐसा लिस्ट जिसके वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेबल वेरिएबल्स या म्यूटेबल डेटा टाइप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लो लिस्ट अगर हम करें 0, 0 इज इक्वल टू हम कर देते हैं 9, ठीक है, कितना कर दिया हम लिस्ट 0, 9, यानी कि 0 पोजीशन पे 1 था, हमने क्या असाइन कर दिया, कृष्ण क्या असाइन कर दिए, ईशा 0 पोजीशन पे 1 था लेकिन हमने क्या असाइन कर दिया, 9, जब असाइन कर दोगे अब लिस्ट को फिर से हम लोग चेक करेंगे, इंटर करेंगे तो देखो जो 1 नंबर था 1 की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, इससे पता चलता है कि लिस्ट के अंदर के वैल्यूज को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो जिसका भी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, डिफिनेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, आप फिर से डिफिनेशन में, वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन बी चेंज आफ्टर दे आर क्रिएटेड, मतलब क्रिएशन होने के बाद अगर आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेबल डेटा टाइप या म्यूटेबल वेरिएबल्स, तो ये 0, 1 था, इसको हम लोगों ने 9 चेंज
कर लिया। तो ये वाला एग्जाम्पल मैं वहां पे पोस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। ये लिस्ट हो गया, लिस्ट को हमने देख लिया, फिर जीरो पोजीशन पे नाइन किए तो कर लिए। अब आएंगे एग्जाम्पल्स क्या क्या होता है, कौन कौन म्यूटेबल होता है पाइथन में। एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेबल डेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन सा है, म्यूटेबल का मतलब कभी भी पूछेगा तो बस इतना बोल देना हुज वैल्यूज कैन बी चेंज, मतलब जिसका वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग लिस्ट के अंदर का वैल्यूज को चेंज किए ना, पहले वन था अब उसको नाइन कर दिए, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके वैल्यूज को हम लोग चेंज कर सकते हैं वो म्यूटेबल होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, कौन कौन सा म्यूटेबल होता है पाइथन में, तो लिख लीजिए पाइथन में लिस्ट कॉमा डिक्शनरी, ठीक है, कॉमा सेट। ये एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, ईटीसी कर लीजिए। तो ये सब क्या हो गया आपका, म्यूटेबल हो गया। अब हम लोग आएंगे इम्यूटेबल वेरिएबल्स, ठीक है, इम्यूटेबल में आते हैं। इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स, यस बताओ, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। वेरिएबल्स हुज, जस्ट उसी का अपोजिट है, हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड एंड असाइंड वैल्यूज are called immutable variables. अब उसी का जस्ट अपोजिट देखो, वेरिएबल्स हूज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, जिसका की वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूटेबल वेरिएबल्स। इम्यूटेबल जो चेंज नहीं होता है, म्यूटेबल जो चेंज होता है। म्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दो डेटा टाइप्स विच कैन बी चेंज एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दो डेटा टाइप्स विच कैन नॉट बी चेंज, जो चेंज नहीं होता है 11C एंड 11E उसको हम लोग इम्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं, और जो चेंज करता है उसको हम लोग म्यूटेबल डेटा टाइप्स बोलते हैं। अरे ज्वाइन किया था इतना बच्चा, फिर लीव कर गया क्या? यस सर। कृष्णा, आयुष, the five students, yes sir, what? only five students, पांच स्टूडेंट बचा है जी, सब कहां चला गया? सो म्यूटेबल का मतलब हुआ जिसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, और इम्यूटेबल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज, इसका कि वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल में लिख लो, एग्जाम्पल्स में ऑफ इम्यूटेबल, आवाज आ रहा है सबको, ऑब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल्स ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि इंट, ठीक है, इंट कॉमा फ्लॉट कॉमा बुलियन, का बुल हम लोग लिखते हैं, कॉमा स्ट्रिंग कॉमा टपल, ये सब जो है तुम्हारा क्या है, ईटीसी, ये सब तुम्हारा जो है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके वैल्यूज को हम लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिस्ट होगा, डिक्शनरी होगा, सेट होगा, तो उसके वैल्यूज को हम लोग बाद में चेंज कर सकते, यही आपका डिफरेंस है म्यूटेबल और इम्यूटेबल। जैसे टपल्स आपका बोल रहा है कि टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है, तो हम लोग टपल्स का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने लिखा TUPLE टपल, और यहाँ पे टपल वन लिख लिया मैंने, और इक्वल टू ले लिए, टपल का सिंबल पैरेंथेसिस होता है, वन कॉमा टू
कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव लिख दिया, ठीक है।